In this video, we are going to discuss the summary of very famous poem, My Mother at 66, which is going to very useful for the students who are going to appear the examination of CBSE and JAC for class 12th. So let's start. My Mother at 66 is an autobiographical poem. अब ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब आप सभी शायद जानते हो, बायोग्राफी बायोग्राफिकल का मतलब होता है जब किसी के जीवन के बारे में हो, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब जो खुद के जीवन के बारे में हो, तो यह इनके खुद के जीवन की किसी इंसिडेंट को बताता है, इसी कारण से हमने इसे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहा है, बाय कमला दास, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। सी इज फेमस, वो प्रसिद्ध हैं डिस्क्राइबिंग फॉर डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिलेशनशिप, रिश्तों की जटिलता को दर्शाने के लिए, बताने के लिए, इन रिश्ते में जो परेशानियाँ आती है उसको अच्छे से वो डील कर पाती हैं अपनी पोएम्स में। द प्रेजेंट पोएम, जो प्रस्तुत कविता है यह, इज अबाउट द बॉन्ड बिटवीन, एक बंधन के बारे में है जो इनके बीच होता है, ए मदर एंड डॉटर, एक माँ और बेटी के बीच के बंधन के बारे में है, यानी रिश्ते के बारे में। इट शोज द फियर, यह उस डर को दिखाती है, ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे का डर, ऑफ लूजिंग इट्स मदर, अपने माँ को खो देने का डर, या फिर इसके उल्टा भी कह सकते हैं, एक माँ को अपने बच्चे को खो देने का डर, दोनों ही इसमें दिखाया गया है। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो, यानी द फियर ऑफ लूजिंग समवन, किसी को खो देने का डर। आइए अब हम पोएम के टेक्स्ट को समराइज करते हैं। एजिंग यानी बुढ़ापा जो है, इज ए कंपल्सरी स्टेज ऑफ एवरीवन्स लाइफ, हर किसी के जीवन का एक अनिवार्य स्टेज होता है, चरण होता है। एज वी ग्रो ओल्ड, ज्यों ही हम बड़े होते हैं, वी एंड अदर्स एज वेल, हम तो चिंतित होते ही हैं, हमें तो डर लगता ही है, साथ ही साथ दूसरे लोग भी फील दैट दे आर गोइंग टू लूज द लाइफ, कि वे जीवन को खो देंगे। सेम इज द कंडीशन ऑफ द ऑथर, लेखिका की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। सी इज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट, अब कोचिन एयरपोर्ट केरला में एक एयरपोर्ट है, वहीं वो जा रही है, विथ हर मदर, अपनी माँ के साथ। द साइट ऑफ हर डोजिंग मदर, जब वो उस दृश्य को देखती हैं जिसमें कि उनकी माँ डोज कर रही हैं, मतलब नींद में हैं, सो रही हैं, मुंह खुला हुआ होता है, पोएम पढ़े होंगे तो पता होगा, मेक्स हर एफ्रेड, मतलब उसे डरा देती हैं, उसे डर लग जाता है। सी ट्राइज टू गेट आउट ऑफ दिस फियर, वो इस डर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, बाय सीइंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखकर, मतलब पेड़ों वगैरह को, नेचर को देखकर, वो इस डर से बाहर निकलने का कोशिश करती हैं। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, व्हेन सी सेज फाइनल गुड बाय, जब वो अलविदा या बाय, गुड बाय बोलती हैं अपनी माँ को, टू हर मदर, सी ऑब्जर्व्स, वो ऑब्जर्व करती हैं द सेम फियर, उसी डर को देखती हैं वो, एट हर मदर्स फेस, अपनी माँ के चेहरे पर। द फाइनल पैराग्राफ, द वन और कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, उनकी माँ का जो बदरंग या बेरंग और फीका चेहरा जो है, रिमाइंड्स हर ऑफ, उसे याद दिलाती है हर चाइल्डहुड फियर, बचपन के डर का। सी फील्स द एक्सट्रीम पेन, वो उस दर्द को महसूस करती हैं, एक्सट्रीम मीन्स बहुत ही ज़्यादा, ऑफ बींग सेपरेटेड, अलग होने के उस एक्सट्रीम पेन को महसूस करती हैं फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से। बट लेकिन इन ऑर्डर टू हाइड हर पेन, अपने दर्द को छिपाने के लिए, सी स्माइल्स एंड मूव ऑन, वो मुस्कुराती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। देयरफोर वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द पोएम इज ए ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन, कविता जो है एक बहुत ही अच्छा विवरण है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ए मदर एंड हर चाइल्ड, एक माँ और उसके बच्चे के बीच का जो रिश्ता होता है उसका एक अच्छा डिस्क्रिप्शन है। सेपरेशन यानी जुदाई या अलगाव, अफेक्शन स्नेह प्रेम, एंड पेन और दर्द आर द थीम्स ऑफ द पोएम, ये सब इसके थीम्स हैं। थीम्स मतलब होता है वो टॉपिक जिसके इर्द गिर्द जो है कविता या कहानी घूमती है। द पोएम इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, ये बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा उदाहरण है ऑफ द आइडियल रिलेशनशिप, एक आदर्श रिश्ते का, ऑफ अ मदर एंड डॉटर, एक माँ और बेटी के आदर्श रिश्ते का एक उदाहरण है यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, इसकी समरी आप अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू।